हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ केबल स्टॉक्स के बारे में कि केबल स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इनको बाय करने के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी चाहिए, कितने टर्म के लिए इन स्टॉक्स को रखना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और इनका आगे क्या फ्यूचर है, तो इन सभी बातों के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत, स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं और जो केबल इंडस्ट्री है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केबल स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, जो इंडियन डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल की जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 450 से 500 बिलियन की है, ठीक है। तो इसमें से जो अप्रोक्सीमेटली 40 से 45% आता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से ही आता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी एक मार्केट है जिसमें सिर्फ 40 से 45 जो परसेंट है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से ही आता है, और जो केबल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में ही आती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा आप देखिए, मार्केट है इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, और स्पेशली जो ग्रोथ है रिन्यूएबल पावर में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही है, इन जो मेट्रोज हैं, रेलवेज हैं, इन सभी में जो भी वायर्स यूज हो रही हैं वो सभी कंपनीज जनरेट कर रही हैं, और कंपनीज की जो आमदन है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में अब देखिए रिन्यूएबल हमारा बहुत हम उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो बिजली की कंपनी होती है, बिजली वायर्स होती हैं, उनके ऊपर काफ़ी हमारा फोकस हो रहा है। इसके अलावा बात करें मेट्रो रेलवेज की, तो ये भी काफ़ी हमारे देश में धीरे धीरे आ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों के फैक्टर्स हैं जो वो इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रही हैं। ऑफकोर्स रिन्यूएबल पावर में जो एक डिमांड आ रही है वो एक विट्रल ट्रेंड चल रहा है। जो अब डाटा सेंटर्स हमारे बनते हैं, क्योंकि हमारे अब जो देश है वो ग्रोइंग कंट्री बन रही है, तो इसमें हमारे जो डाटा सेंटर्स बनते हैं, आईटी फैसिलिटीज आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं उनमें फाइबर ऑप्टिकल्स, ट्रांसमिशन, ट्रेन लाइन सब कुछ चलती है। तो ये सभी केबल्स हैं जो इनका अभी धीरे धीरे जो यूज है वो होता रहेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे देश में स्टार्ट हो चुका, तो इसका भी काफी बेनिफिट होगा। तो धीरे धीरे जैसे ये टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहेंगी, वैसे वैसे वायरस की जो जो वायर्स हैं, हमारी केबल्स हैं, उसका जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता रहेगा और वो यूजफुल भी ज़्यादा होती रहेंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली कंपनी की, पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग मैन्युफैक्चरर केबल और वायर्स की है। इसके अलावा ये जो UPVC जो कंडक्टिव्स होती हैं, लग्स, ग्लैंड्स, ये सब चीज़ों को में भी बनाती है। इसके अलावा इन्होंने अपने काफ़ी सारे, अगर आपने एड्स देखी होंगी तो इनके काफ़ी सारी जो अलग से ब्रांड्स हैं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक फैंस, स्विचेस, स्विच गियर्स, एलईडी लाइट्स, लुमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स, पंप्स, ये सब चीजों में भी इसका कारोबार है, जो कि एक अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है आजकल। इसके अलावा इनके 3500 प्लस डीलर्स हैं और इनके ऑलमोस्ट 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, जो कि काफी बड़ा माना जाता है। इनकी 84% जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट वायर्स और केबल से आती है, और 16% जो इनका FMEG से आती है। FMEGC लाइक फैंस, स्विचेस, गियर्स, जो रेगुलर यूज के लिए होते हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपया जो इनका रेवेन्यू है 2026 तक इनको होना है, जबकि 2022 तक इनका जो 12,204 करोड़ हो चुका है। बात करें अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो मार्केट कैप इसकी 39,983 करोड़ है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। डेप्ट इक्विटी ना के बराबर है, रिटर्न इक्विटी भी ठीक ठाक है, प्रमोटर होल्डिंग भी इसकी 50% से ऊपर है, डिविडेंड भी ठीक ठाक मिल जाता है, प्लेज परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। इनका लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था 1,124 करोड़ का था, और अभी इनका जो प्राइस चल रहा है वो 2,580 पे चल रहा है। बात कर ले प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो में कंपनी जो अपने जो रिड्यूस डेप्ट है वो रिड्यूस कर रही है, काफी हद तक ये बिल्कुल डेप्ट फ्री हो चुकी है। इनका जो CGR है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 30.8% हो गई है पिछले 5 सालों में, जो कि अच्छा है। डिविडेंड अब हेल्दी डिविडेंड भी ये देने लगे हैं, कंपेयर करें हम लास्ट से तो ये ऑलमोस्ट 18% अब ये ज्यादा डिविडेंड देने लगी है। और इनके जो डेप्टर है, जो इनके डेप्टर डेज हैं वो इम्प्रूव हो चुके हैं, यानी कि पहले जो ही अपना डेप्ट 52 डेज में करते थे, पे करते थे, वो अब सिर्फ 38 डेज में ही पे करने हैं। तो इट मीन्स कि इनके पास एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो टर्नओवर है वो चल रहा है। बात करें कौन की, तो कौन इसके पास अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि अभी ये कंपनी जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन फ्यूचर देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें कि कई की इंडस्ट्रीज की, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। इसका भी आपने काफ़ी एड्स देखी होंगी, वायर्स केबल्स के बारे में होती है। इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं, इनकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज में, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, हर एक में इनकी जो वायर्स हैं वो यूज होती हैं। ऑलमोस्ट इनका 6.2% मार्केट शेयर है टोटल का केबल्स और वायर्स में इंडस्ट्री, और 8.3% ऑर्गेनाइज्ड केबल्स और वायर्स का है, जो कि 2020-21 की बात है।
इनकी जो हाउस वायर्स होते हैं, जैसे हम अपने घर बनाते हैं उसमें फिटिंग्स करवाते हैं, वो इनका ऑलमोस्ट 17 17 ऑलमोस्ट 18% के अराउंड है। और इनकी सबसे ज़्यादा जो वायरिंग है वो इन्हीं की यूज़ होती है, डोमेस्टिक या कमर्शियल बिल्डिंग जब बनती हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बनते हैं तो उनमें इन चीज़ों का यूज़ होता है। इसके अलावा इनके पास सबमर्सिबल पंप्स के और रिवाइंडर्स के भी ऑर्डर्स आते हैं, और इन चीज़ों को भी ये मैनुफैक्चर करती है। और ऑलमोस्ट इनकी जो 5 मैनुफैक्चरर फैसिलिटीज़ हैं वो ऑल ओवर हमारे इंडिया में हैं। बात करें इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, एक लार्ज कैप कंपनी है, डेट इक्विटी ना के बराबर है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, लगभग 20% है, प्रमोटर होल्डिंग भी 38% है, डिविडेंड भी ठीक ठाक है, प्लेज परसेंटेज 0 है, अच्छी बात है। प्रॉफिट लास्ट ईयर का 428 करोड़ था, और इसका जो भी शेयर चल रहा है 1448 रुपये के अराउंड चल रहा है। बात करें प्रो एंड कॉन्स की, तो ऑफ कोर्स इसका जो डेब्ट टैप खत्म हो चुका है, अच्छा क्वार्टर है, क्योंकि देखिए जब कंपनी के जो डेब्ट्स है वो कम होने लग जाते हैं तो उनके जो क्वार्टर्स की जो इनकी परफॉर्मेंस होते हैं वो काफ़ी बड़ी होने लग जाती है। तो अगर बात करें हम इसकी प्रॉफिट की, तो 32% CAGR लास्ट 5 ईयर्स के कंपेयर करें तो 32% जो इनका प्रॉफिट है वो ग्रोथ हो रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बात करें सिर्फ कॉन्स की, तो कॉन्स में इनका जो प्रमोटर की होल्डिंग्स है वो थोड़ी कम हो गई है, ऑलमोस्ट 8% कम हो गई है, लेकिन इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी जो एक अच्छा प्रॉफिट हो गया तो उन्होंने अपनी कुछ परसेंटेज निकाल दी हो, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। प्रमोटर होल्डिंग हालांकि अगर 30% से ऊपर है तो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, अदरवाइज अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में तो होल्डिंग्स होती भी नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन हमें उनके मेनली फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपनी वो है फिनोलेक्स केबल, जिसकी बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, और इनकी जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल और टेली कम्युनिकेशन केबल्स इनकी सबसे ज़्यादा होती है हमारे इंडिया में, ऑलमोस्ट 50 ईयर से हमारे इंडिया में काम कर रही हैं और लीडरशिप पोजीशन में है। ये वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड केबल्स एंड वायर्स हमारी ये जो कंपनी है हमारी इंडिया में बनाती है। इसके अलावा इनकी वाइड मैनुफैक्चरिंग वराइटीज़ है, लाइक फिनोलेक्स में जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं जैसे जो हम घर में यूज़ करते हैं, इसके अलावा होम अप्लाइंसेज है, वो उन चीज़ों में भी इनका काफ़ी अच्छा दमदार इनका एक प्लेस है। इसके अलावा बात करें कंपनीज के पास अपने खुद के और ऑपरेशनल 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं। इसके अलावा 28 इन्होंने जो चेन्स बना रखी हैं ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी इन्वेंट्री बना सकें, ताकि इनकी जो सप्लाई चेन है वो एक काफ़ी अच्छा जो काम है वो कर सके। इसके अलावा इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें भी ये काम करते हैं, जैसे PVB कंपाउंडेड होते हैं, कॉपर रोड्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, FRP रोड्स होते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी इनका काफ़ी सारा दमदार है। इसके अलावा बात करें हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो ये एक मिड पैक कंपनी है, डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, प्रमोटर होल्डिंग 36% है, डिविडेंड बाकी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा मिल रहा है, प्लेज परसेंटेज 0 है, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था इसका 542 करोड़ का था, और इसका जो शेयर है लगभग 549 के अराउंड चल रहा है। बात कर लें प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रोज में ऑफ कोर्स इनका जो डेप्ट है काफ़ी हद तक खत्म ही हो चुका है, अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। एक अच्छा अब इन्होंने जो डिविडेंड है वो भी देना शुरू कर दिया, जब कंपनी डेप्ट फ्री हो जाती है तो वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करना शुरू कर देती है। बस ये है कि इसका जो लास्ट ईयर की लास्ट अगर हम 5 साल की बात करें तो इनकी जो सेल्स है उसमें थोड़ी गिरावट आई लगभग 10% के अराउंड, और इनकी जो अर्निंग्स है उनमें 317 करोड़ कुछ अदर इनकम से, हो सकता है इन्होंने कुछ प्लांट्स बेचे हों या कुछ चीज़ें ऐसी हो जिनकी अनयूज्ड एसेट्स उनको बेचा हो, तो उनका भी जो प्रॉफिट है इसमें इंक्लूड किया। अगली जो कंपनी है वो है यूनिवर्सल केबल लिमिटेड, ये हालांकि इसका जो काम होता है वो मोस्टली पावर केबल का काम है, ये 1.1 किलोवाट से 400 किलोवाट तक बनाती है। इसके अलावा ये कैपेसिटर्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स बनाती है, और इसके अलावा इनकी जो वायर्स और केबल्स कंडक्टर ये हर एक चीज में होती है, लेकिन इनका जो मेन काम है वो ट्रांसमिशन में होता है, ये मोस्टली ट्रांसमिशन की कंपनीज में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसमिशन के रिलेटेड ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये काफ़ी वाइड रेंजेस हैं, लाइक ये लो वोल्टेज बनाती हैं, मीडियम वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स हैं वो बनाती है, अप टू 500 किलोवाट ग्रेड तक की। इसके अलावा PVC रबड़ आइसोलेटेड पावर केबल्स, ये सभी चीज़ें बनाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये जो कंपनी है ये मोस्टली जो हमारे ट्रांसमिशन होते हैं, बिजली घर होते हैं, बिजली वायर्स होती हैं, तो उनके उनमें ये ज़्यादा काम करती है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है ये MP बिरला जो ग्रुप है उनकी कंपनी है, क्योंकि इनके जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ ट्रांसमिशन जो लाइन्स हैं उनके लिए नहीं है, इसके अलावा ये सीमेंट जूट कार्बाइड पावर केबल्स पावर कैपेसिटर्स और टेलीकॉम के जो टेलीकॉम केबल्स हैं उनमें भी ये कंपनी है जो काम करती है। बात कर लें कि फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल ये एक स्मॉल पैक कंपनी है, डेब्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज है तो 7% भी इसके लिए रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी अच्छी रहती है, प्रमोटर होल्डिंग भी 62% है, डिविडेंड ठीक ठाक है, प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, इनका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो 97 करोड़ का था,
उनका जो प्राइस चल रहा है वो 293 के अराउंड चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी काम कर रही है। बात कर लें प्रो एंड कॉन्स की, तो प्रो में इसका जो अपनी जो बुक वैल्यू है उससे काफ़ी अच्छा जो वर्क कर रहा है। इसके अलावा जो इसका अगला क्वार्टर है काफ़ी अच्छा हो सकता है। कॉन्स इसके ज़्यादा हैं क्योंकि एक लो रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स में इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी लो हो चुकी है। इसके अलावा जो 70 करोड़ की अर्निंग है इसकी किसी और अदर इनकम सोर्सेज से है। बात करें डिविडेंड पे आउट की तो वो इनका कुछ पहले से कम हो गया है। और कंपनी के है जो इनका डेप्टर्स है वो 195 डेज में जो इनके डेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। अगली जो कंपनी वो है डायनामिक कंपनी। डायनामिक ये भी एक स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ये स्पेशल स्पेशल क्या करती है, ये गवर्नमेंट डिस्कॉम से यानी कि जो गवर्नमेंट की जो प्रोड्यूसर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनीज उनको अपनी केबल्स का सप्लाईज करती हैं। इसके अलावा प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करती हैं, प्राइवेट EPC कॉन्ट्रैक्टर इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट क्लाइंट्स कंपनी को ही अपना जो सारा केबल्स है वो सप्लाई करती हैं। इसके अलावा इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो जयपुर और रेंजेस में हैं। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा जो मैनुफैक्चर है इनका इंफार केबल्स में है जिसमें लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी होती है, पावर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स केबल्स, फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल केबल्स, सोलर केबल, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स होती हैं जो उन सभी जो ऑलमोस्ट सभी तरह के जो बिजनेस है जिनमें वायर्स का यूज़ होता है उनमें ये काम करती है। और ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट इसकी 40 कंपनीज जो 40 कंट्रीज है उसमें इनका काम है। जो सबसे ज़्यादा इनका जो एक्सपोर्ट होता है अफगानिस्तान, इराक, जॉर्डन, कीनिया, इजिप्ट और USA में होता है। बात करें इसके मेन फोकस की तो इनका जो न्यू सेगमेंट है उनके ऊपर इनका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर इनका काफ़ी काम चल रहा है। बात कर लें इनके फाइनेंशियल की तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। डेप्ट इक्विटी ना के बराबर, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है 25% के अराउंड, प्रमोटर होल्डिंग भी 75% है, डिविडेंड भी काफ़ी ठीक है, प्लेज परसेंटेज 0 है। इनके लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 32 करोड़ था और जो इनका करंट प्राइस चल रहा है वो 186 के अराउंड चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकती हैं। बात कर लें प्रो एंड कॉन्स की तो प्रो में कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना डेप्ट रिड्यूस कर लिया है, अच्छे क्वार्टर की उम्मीद कर रही है। उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले 129 दिन में बढ़ती थी जो कि अब 92 डेज में होने लगी है। कौन से इसके कोई नहीं है क्योंकि अभी ये कंपनी एक तो स्मॉल कैप है लेकिन इसका जो काम है वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है जिसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट्स हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए। और चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।